हमार बेटा है ना, हमार जिसको बेटा है हमको, हमको बेटा का उसको उसको बाप का हम गोली मारेंगे। चाकू मारत क्या हुआ, हम उसका बेटा को ओकरा बाप का हम गोली मारेंगे। हाँ, गोली डाउन में खोज के घूर रहा है गांव में, कैसे हम बोलेंगे। हम बेटा के लेके अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एसी में। बेटा का 1.5 लाख रुपया लग गया हमारा बेटा में, हम कितना लगेगा। फेफड़ा में छेदा हुआ गया हमारा बेटा के, 14 बरस के हमारा बेटा है, पेपरा में छेदा हो गया है, खून जम गया है। कुछ न कर रहा है, 10 रुपया के रोज, 10 हजार के रोज हम देते हैं एसी में, 10 हजार के रोज एसी में दवाई छोड़ के। कहता है कि 1 लाख रुपया उसके दिए हैं तभी इलाज कर रहा है बेटा के, 1 लाख रुपया दिए हैं। जो हमको पोता का मारा है, कहता है उसको बाप का मारेंगी गोलियां। सरपंच ओकरे परिवार, मुखिया ओकरे परिवार, मुखिया के द्वार पर खासी हमको पोता का चाकू मारा है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है। बिहार में इन दिनों पुलिस द्वारा सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खुद पुलिस खोल रही है। पूरा मामला मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक छात्र के साथ हुए जानलेवा हमला का है। अपराधियों द्वारा छात्र पर चाकू से हमला के बाद अब अपराधी घायल के परिजन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, मगर पुलिस के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम टीका रामपुर स्थित विद्यालय में बीते 31 जुलाई को 4 अपराधियों द्वारा छात्र सत्यम की हत्या करने की नीयत से चाकू से वार किया गया था, जिसमें छात्र के गर्दन, सीने और पीठ पर 5 बार चाकू घोंपा गया। इस घटना के बाद गंभीर अवस्था में घायल छात्र को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ छात्र की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया है। छात्र घायल की स्थिति में काफी नाजुक होने की निजी अस्पताल में आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को घायल छात्र के परिजन और ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया है। परिजनों के अनुसार पुलिस अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं परिजनों ने बताया कि अब अपराधी द्वारा केस वापस लेने की धमकी बार बार दिया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार किसी अनहोनी की आशंका में दहशत में है। तो परिवार को क्या धमकाया जा रहा है? हाँ, धमकाया जा रहा है कि जान मार देंगे, केस उठाओ। आज एसपी ऑफिस आप लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं। आप या तो अपराधी को पकड़िए, नहीं तो हम लोग को जान मार सकता है फिर दोबारा। घटना कब की है? 31 तारीख को शाम 1:30 बजे के लगभग। स्कूल में घटा था। प्रधान के सामने, मास्टर के सामने हुआ। मास्टर तमाशा देखते रह गया। टिंकू कुमार, चाकूबाजी हुआ था। मेरा लड़का भी हॉस्टल भर्ती है और प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हम जाएंगे ना, तुम्हारे कहने जाएंगे, तुम जो कहोगे वही करेंगे। मामला क्या था? मामला हुआ था कि 2 महीने या 3 महीने पहले तू मैं हुआ था उस लड़के के साथ, जो हाथापाई भी हुआ था। उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद आज मेरा लड़का स्कूल गया और उसके बाद चाकूबाजी उसके ऊपर कर दिया। कितना चाकू मारा? उसे 5 चाकू लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि हम लोग हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल इलाज कराए, उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया भागलपुर। तो वहाँ जाने और आने में बहुत टाइम निकल जाता, इसलिए हम नेशनल में भर्ती किए हैं अभी तक। तो क्या मामला दर्ज हुआ? वो कोतवाली से आए हुए थे, कोतवाली से दर्ज कुछ करके गए थे, लेकिन वो अब क्या हो रहा है उतना हम लोग को विवरण नहीं मिला है। केस दर्ज हुई है? हाँ, केस दर्ज हुई है। तो यहाँ किस लिए आए? यहाँ सुनवाई में थाना में पैसा दे दिया है वो लोग। वो लापरवाही कर रहा है। अगर हम थाना गए मिलने के, डांट को हम ही को भगा दिया। तो क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। उनका घर है यहाँ, हम तो बाहर से आते हैं, पढ़ाते हैं। सर का? आपका? फंतोष कुमार। कहाँ से? चंडिका थाना टीकारामपुर से। हमार बेटा है ना, हमार जिसको बेटा है हमको, हमको बेटा का उसको उसको बाप का हम गोली मारेंगे। चाकू मारत क्या हुआ, हम उसका बेटा को ओकरा बाप का हम गोली मारेंगे। हाँ, गोली डाउन में खोज के घूर रहा है गांव में, कैसे हम बोलेंगे। हम बेटा के लेके अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एसी में। बेटा का 1.5 लाख रुपया लग गया हमारा बेटा में, कितना लगेगा। फेफड़ा में छेदा हुआ गया हमारा बेटा के, 14 बरस के हमारा बेटा है, पेपरा में छेदा हो गया है, खून जम गया है। कुछ न कर रहा है, 10 रुपया के रोज, 10 हजार के रोज हम देते हैं एसी में, 10 हजार के रोज एसी में दवाई छोड़ के। कहता है कि 1 लाख रुपया उसके दिए हैं तभी इलाज कर रहा है बेटा के, 1 लाख रुपया दिए हैं। जो हमको पोता का मारा है, कहता है उसको बाप का मारेंगी गोलियां।
आप क्या कहाँ तक पहुँचे वो हमारा हाँ केस उठाइए सुधिल बा सुधिल नाचिया हमार नाम देवकी देवी।